बीमारी से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन और सहारा इंडिया फैमिली के फाउंडर सुब्रत रॉय 75 साल की उम्र में कैंसर से जंग हार गए। उनके निधन की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई। वे लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे जो कि उनकी पूरी बॉडी में फैल चुका था। इसके अलावा सहारा श्री ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के भी शिकार थे। 12 नवंबर को उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया और 14 नवंबर की रात 10:30 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। सहारा श्री के निधन के बाद दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। यूपी के सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, सहारा समूह के प्रमुख श्री सुब्रत राय जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति दें। सीएम योगी के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने भी सहारा श्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं न सिर्फ नेता बल्कि फिल्म जगत भी सहारा श्री के निधन से शोक में डूब गया है। सुब्रत रॉय सहारा वन मोशन पिक्चर्स के फाउंडर थे। उनकी कंपनी ने वांटेड, नो एंट्री और डोर जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। फिल्म इंडस्ट्री से उनका गहरा ताल्लुक रहा है। ऐसे में बॉलीवुड के कई सितारों ने उनके निधन पर शोक जताया। मनीषा कोइराला, बोनी कपूर समेत कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। निर्माता बोनी कपूर, संदीप सिंह, स्क्रिप्ट राइटर मुश्ताक शेख और एक्ट्रेस राय लक्ष्मी ने भी सुब्रत राय के निधन के बाद कोकिलाबेन, धीरूभाई अंबानी अस्पताल और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं सुब्रत रॉय का पार्थिव शरीर बुधवार को लखनऊ के सहारा शहर लाया जाएगा। यहां उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।